दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हमें प्यास क्यों लगती है? अगर नहीं जानते तो बने रहिए शॉर्ट वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी का लगभग 2/3 पार्ट पानी से बना होता है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या, हमारी बॉडी को दिन भर पानी की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि दोस्तों दिन भर में हमारी बॉडी पसीने के जरिए लगभग 0.5 लीटर पानी बाहर निकाल देती है। जब भी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उस सिचुएशन में भी लगभग 1 लीटर पानी 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी बॉडी से निकल जाता है। और रही बात जब भी हम पेशाब वगैरह करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारी बॉडी से लगभग 1.5 लीटर पानी बड़ी आसानी के साथ में बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर ये पानी का लेवल डाउन होने लगता है, तो बॉडी वीक महसूस करती है और काफी सारे बॉडी के सेंसर आकर के हमारे दिमाग को सचेत करते रहते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, हमारा गला सूखने लगता है और हमें प्यास लगती है, तब हम पानी पीते हैं। रोज हमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर सके। तो दोस्तों, यही सारे कारण है जिनकी वजह से हमें प्यास लगती है। उम्मीद करता हूं ये फैक्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।